हाँ जी बेटा फोकस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर्व सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का कितना है, हाउ मच सी एस ए इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, हमें क्या बताना है डायमीटर, वेरी इजी 2 पाई आर एच, कितना है 88, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू पता नहीं, एच की वैल्यू 14 इक्वल्स टू 88, आर की वैल्यू 88 मल्टीप्लाई 7 2 22 14 2 22 14, यू विल कट एंड गेट द वैल्यू ऑफ आर, जो आर की वैल्यू आएगी उसका डबल कर देना, यू विल गेट डायमीटर, क्लियर है? क्वेश्चन फर्स्ट इजी, क्वेश्चन फर्स्ट इजी, डायमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर, रेडियस आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर, यू कैन जस्ट चेक, रेडियस 1 सेंटीमीटर, डायमीटर आएगा 2 सेंटीमीटर, यू कैन चेक, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर है सभी को? क्वेश्चन फर्स्ट ओके, नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, क्या बोल रहे हैं अभी भी बताता है वर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड, आई हैव डिस्कस्ड द प्रीवियस मीटिंग, क्लोज का मतलब होता है वो हमसे बोल रहा है क्या, टीएसए से भी डाल देंगे, हाइट कितनी है 1 मीटर, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, हमको डायमीटर गिवन है 140 का आधा रेडियस कितना हो जाएगा 70, हमको निकालना है टीएसए, टीएसए की वैल्यू 2πr ब्रैकेट r प्लस h 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 70 प्लस 100, वी गॉट 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 170 मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 2/100 से डिवाइड, जब डिवाइड करोगे यू गेट मीटर स्क्वायर, ठीक है? गॉट इट ऑल? क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, टीएसए निकालना है, सब कुछ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर से मीटर बनाएंगे, 2/100 से डिवाइड, सभी बताएंगे मैं 2/100 क्यों ले रहा हूं, ना मैंने एक बार लिया ना मैंने 3 बार लिया, क्यों भाई, क्या खास बात है, खास बात क्या है, खास बात क्यों लिया 2 बार? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास एरिया की बात हो रही है और एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है और स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, क्लियर है? हाँ जी क्लियर, सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन थर्ड, आउटर डायमीटर 4.4, जो बाहरी डायमीटर है ना वो 4.4 है, इसका मतलब है बाहरी रेडियस, आउटर रेडियस 2.2, इनर डायमीटर, अंदर का जो डायमीटर है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो अंदर वाला रेडियस 2 सेंटीमीटर, सिलेंडर की लंबाई क्या दो या उसकी हाइट क्या दो, एक ही बात है 77 सेंटीमीटर, बताएंगे सभी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी यहां तक क्लियर सभी को? डायग्राम, डायग्राम क्लियर है? ओके देखो सभी ध्यान से, क्वेश्चन आंसर 3 चीजें पूछ रहा है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, फर्स्ट इनर सीएसए मतलब 2π, हमें r लेना है अंदर वाला, क्लियर है? नेक्स्ट आउटर सीएसए हमें r लेना है बाहर वाला, क्लियर है? अरे बिल्कुल इजी है, 2 मल्टीप्लाई 22/7, अगर हम बात करो इनर तो इनर रेडियस 2, लंबाई कितनी है 77, क्लियर है? 2 मल्टीप्लाई पाई, मैं बात कर रहा हूं बाहर का रेडियस, बाहर का रेडियस कितना है 2.2, मतलब 22 बाय 10,
10, साथ में H, H कितना है? 77, बताएंगे सभी, दो पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट टू पॉइंट्स क्लियर है, फर्स्ट टू पॉइंट्स, हाँ जी क्लियर है, आप सभी ध्यान दो, फोकस द थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी ध्यान दो, मान लो ये क्या सिलेंडर है, ठीक है, बोलो मान लो आप ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है, पर आप ये मान लो कि नीचे से भी खुला हुआ है, ठीक है, अब सभी ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला एरिया जो कि ग्लास का ये वाला पोर्शन है, कैसे निकालेंगे सभी ध्यान दो, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, क्योंकि ये अंदर से खोखला है, गॉट इट ऑल, सभी ध्यान देंगे, अगर मैं इसके ऊपर ऊपर से ऐसे देखूंगा ऐसे ऐसे तो भाई ऐसे ना आपको दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा, जिसके अंदर से ये यहां से खोखला है, आपको सिर्फ ये निकालना है, आप कैसे निकालोगे, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, बताएंगे सभी, क्लियर है, मुझे निकालना है ऊपर वाला एरिया, कैसे निकालूंगा, आउटर माइनस इनर, क्लियर है, हाँ जी, अगर आप इस ग्लास को ऊपर से ऐसे देखोगे तो आपको दिखेगा आउटर माइनस इनर, तो ये बचेगा बीच वाला जिसके लिए हमारा ग्लास बना हुआ है, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, और हम सभी को पता है दिस इज व्हाट सर्कल, और सर्कल के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, डिफरेंस क्या आएगा, पहले आउटर वाला बाद में इनर वाला, क्लियर है, दोनों में से पाई बाहर निकाल लो, आर आउटर कितना था 2.2 का स्क्वायर 4.84, क्लियर है, इनर रेडियस कितना था 2 का स्क्वायर 4, जब माइनस करोगे ना तो आपको मिलेगा 0.84, क्लियर है, ये तो आ गया ऊपर वाला, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज द रेडियस ऑफ, सॉरी दिस इज द एरिया ऑफ अप एंड डाउन, बताएंगे सभी, क्लियर है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, बाकी सभी क्वेश्चन इजी है, ठीक है, हाँ जी क्लियर है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, इसलिए मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई, क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब है अंदर वाला गोल वाला बाहर वाला गोल वाला प्लस ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अंदर वाला बाहर वाला ऊपर वाला नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, इनर वाला फर्स्ट जो ये आंसर आया था, प्लस आउटर कौन सा सेकंड, प्लस जो ये आंसर आएगा यहां पे ऐड कर देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, क्लियर है, गॉट इट ऑल, हां जी बेटा सभी को क्लियर, ओके बेटा, सो वी हैव डन द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस ऑफ 13.2, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, फॉर्मूला बेस हैं, आप उनको ट्राई करना, ट्राई करने के बाद फिर कॉपी से मैच करना, अगर आपका आंसर मैच ना हो या कंसेप्ट समझ में ना आए, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन समझा दिया जाएगा, क्लियर है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज थ्री क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।